सभी कांग्रेस के जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी के लोग मोदी सरकार को गद्दी से उतारने की बात हम लोग कर रहे हैं। ये हिटरसाई और मनमानी नहीं चलेगी देश में। देश लोकतंत्र से चलेगी, देश संविधान से चलेगी। संविधान को लेकर जो है आज देश टिका हुआ है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है मानते हैं। संविधान जो कहेगा उस संविधान के अनुसार हम लोग चलने के लिए तैयार है, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है संविधान। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र से है, जहां खबर कवरेज के दौरान इंस्पेक्टर मांडा अरविंद कुमार गौतम ने पत्रकार इस्लाम अंसारी के साथ बदसलूकी की, जिससे आहत पत्रकार इस्लाम अंसारी ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को पत्र भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि मांडा थाना क्षेत्र में गांजा शराब की खुलेआम बिक्री की जा रही है और चोरी लूट की घटना बढ़ी हुई है। स्थानीय मांडा पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम है। बुधवार रात कोशड़ा कला गांव स्थित देवकुंड नाथ धाम में चोरी की घटना कारित की गई और हनुमान जी की मूर्ति खंडित करते हुए चबूतरे में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय मांडा थाने पर पुलिस के पुजारी ने सूचना दी, बावजूद इसके स्थानीय पुलिस मंदिर झांकने तक नहीं गई और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। शनिवार सुबह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने थाने के सामने प्रतापपुर वीपी मार्ग पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। इतना ही नहीं, वीडियो भद्रता पर भारतीय पत्रकार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह बिसेन ने कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की। अध्यक्ष अरविंद सिंह बिसेन ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कराकर दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की बात कही है। इसी तरह पत्रकार सभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने भी खबर कवरेज के दौरान पत्रकार इस्लाम अंसारी से की गई बदसलूकी पर कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। घटना हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव नैनसुखपुरा की है, जहां एक युवक की लाश जोहड़ से बरामद हुई है। मरने वाला युवक राजस्थान में अलवर जिले का रहने वाला था। वो चार दिन पहले कोचिंग जाने के बाद वापस घर नहीं पहुंचा और शनिवार को 50 किलोमीटर दूर उसकी लाश जोहड़ से बरामद हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर युवक नैनसुखपुरा तक कैसे पहुंचा। जाटूसाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार अलवर जिले के गांव फौलादपुर निवासी जैकी शाहजहांपुर में कोचिंग सेंटर पर जाता था। चार दिन पहले भी वो घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने राजस्थान में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजस्थान पुलिस ने जाँच की तो जैकी की लोकेशन रेवाड़ी में मिली। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस रेवाड़ी पहुंची तो जैकी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जैकी की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि उसके मोबाइल से नैनसुखपुरा में किसी के मोबाइल पर बात हुई है। पुलिस जिसके मोबाइल पर बात हुई है उससे पूछताछ करने भी पहुंची थी, लेकिन तब भी जैकी का कोई पता नहीं चल पाया। शनिवार को गांव नैनसुखपुरा के जोहड़ में एक युवक की लाश तैरती दिखी। जोहड़ से शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया है। सूचना के बाद परिजन भी अस्पताल